आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2022 की हाईएस्ट ग्रोसिंग यानी कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवीज़ की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले है एल्विस, जो कि एक बायोपिक मूवी है। एल्विस नाम के एक बहुत फेमस सिंगर हुए थे, सुपरस्टार हुए थे अमेरिका के अंदर, जिनके ऊपर ये मूवी बनी है। इस मूवी का बजट $85 मिलियन था, यानी कि 703 करोड़ रुपये था, और इस मूवी ने अभी तक $286 मिलियन कमा लिए हैं, यानी कि 2,366 करोड़ रुपीज़ कमा लिए हैं। इस हिसाब से ये मूवी काफ़ी सक्सेसफुल रही है, काफ़ी लो बजट में बनने के बात भी। इस मूवी को आप इंग्लिश लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी है ब्लैक एडम, जो कि बहुत एंटीसिपेटेड सुपर हीरो मूवी थी। मतलब काफी समय से हम लोग इस मूवी का वेट कर रहे थे, और जब इस मूवी को रिलीज किया गया उसके बाद जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल गया, मैं उसको देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया, क्योंकि जितना इस मूवी का लोग वेट कर रहे थे, जितना इसके दीवाने थे, मुझे लगा ये मूवी 1 बिलियन तो कमाई लेगी, लेकिन इस मूवी ने सिर्फ $391 मिलियन कमाया, मतलब कि 3,237 करोड़ रुपीज कमाए, जो कि ऐसी मूवी के लिए तो बहुत ज्यादा कम है। इस मूवी का बजट $195 मिलियन था, यानी कि 1,613 करोड़ रुपए था, जो कि एक काफी अच्छा बजट था। इस हिसाब से इस मूवी को कम से कम $900 मिलियन तो कमाने ही चाहिए थे, लेकिन फिर भी इस मूवी ने कुछ ज्यादा अच्छा कलेक्शन नहीं किया, और ये 14th नंबर पे है इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। 13th मूवी है अनचार्टेड, जो कि एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी के अंदर हमें मेन लीड में टॉम हॉलैंड देखने को मिले थे, और ये मूवी अनचार्टेड नाम की एक गेम सीरीज के ऊपर बेस्ड है। इस मूवी का बजट $120 मिलियन था, यानी कि 992 करोड़ रुपीज था। इस मूवी ने $401 मिलियन कमाए हैं, यानी कि 3,324 करोड़ रुपीज कमाए हैं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इस मूवी को रेटिंग्स मिला 6.3 out of 10 IMDb पर। नेक्स्ट मूवी है सोनिक द हेजॉग 2। ये मूवी सोनिक द हेजॉग मूवी का सीक्वल यानी सेकंड पार्ट है, जिस मूवी के अंदर हमें पहली मूवी के बाद की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे वो पागल डॉक्टर वापस अर्थ पे आ गया, और अब वो सोनिक से बदला लेना चाहता है। इस मूवी का बजट सिर्फ $110 मिलियन था, यानी कि 910 करोड़ रुपए था, और इस मूवी ने अभी तक $402 मिलियन कमा लिए, यानी कि 3,326 करोड़ रुपीज कमा लिए, और ये मूवी पहली मूवी से भी ज्यादा सक्सेसफुल है। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 11th मूवी है फैंटास्टिक बीस्ट 3। ये मूवी फैंटास्टिक बीस्ट सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिस मूवी के अंदर में प्रोफेसर डंबलडोर की सीक्रेट लाइफ स्टोरी देखने को मिलने वाली है। इस मूवी का बजट $200 मिलियन था, यानी कि 1,654 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने अभी तक $405 मिलियन कमाए हैं, यानी कि 3,352 करोड़ रुपीज कमाए हैं। और इस मूवी ने जितनी भी इसकी मूवीज अभी तक आई हैं, मतलब 3 मूवीज आई हैं, तीनों में सबसे कम कलेक्शन इसी मूवी ने किया है। इस मूवी को आप प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 10th मूवी है मून मैन। ये एक चाइनीज कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है, जिस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक आदमी की, जिसे ना चाहते हुए भी चंद्रमा पर रुकना पड़ता है, जिसके बाद पूरी की पूरी पृथ्वी ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरी एग्जिस्टेंस में, मतलब कि आसपास जो भी दुनिया है, उसमें केवल यही इंसान जीवित बचा है चंद्रमा पर, जिसके बाद आगे क्या होता है वही इस मूवी की कहानी है। इस मूवी का बजट चाइनीज करेंसी में 6 करोड़ है, और इंडियन करेंसी में 71 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है, और इस मूवी ने अभी तक $460 मिलियन कमा लिए, यानी कि 3,808 करोड़ रुपीज कमा लिए हैं। और इस मूवी को आप इंडिया के अंदर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मूवी है वाटरगेट ब्रिज। ये भी एक चाइनीज मूवी है। ये मूवी द बैटल एट लेक चेंजिंग का सेकंड पार्ट है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है अमेरिकन और चाइनीज सोल्जर्स की, जिनके बीच में युद्ध चल रहा है। इस मूवी के बजट के बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन इस मूवी ने कलेक्शन किया है $626 मिलियन का, यानी कि 5,184 करोड़ रुपीज का। इस मूवी को भी आपके इंडिया के अंदर किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। 8th मूवी है थॉर लव एंड थंडर। ये एक एक्शन सुपर हीरो मूवी है, जिसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस मूवी के अंदर हमें थॉर की और माइटी थॉर की, यानी कि जेन फॉस्टर की कहानी देखने को मिलती है, क्योंकि एक आदमी है जो कि अपने आप को गॉड द गॉड बुचर कहता है, वो देवताओं को मारने के लिए निकला है पूरे ब्रह्मांड में, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड से देवताओं को खत्म करना चाहता है। इस मूवी के अगर बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $250 मिलियन था, यानी कि 2,068 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने अभी तक $760 मिलियन कमाए, यानी कि 6,296 करोड़ रुपीज कमाए हैं। आप इस मूवी को हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 7th मूवी है द बैटमैन, जिस मूवी का बजट $200 मिलियन था, यानी कि 1,655 करोड़ रुपीज था, और इस मूवी ने अभी तक $770 मिलियन कमाए हैं, यानी कि 6,379 करोड़ रुपीज कमाए हैं। इस मूवी के अंदर हमें बैटमैन की कहानी शुरू से दिखाई गई है, ना ही इसके अंदर किसी तरह के एडवांस गैजेट्स का यूज किया गया है। बहुत ग्राउंडेड तरीके से जैसी चीजें आज के समय में पॉसिबल हैं, वैसी चीजों के हिसाब से इस मूवी को बनाया गया। इस वजह से मुझे तो मूवी काफी पसंद आई। आप इस मूवी को प्राइम वीडियोस पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। 6th मूवी है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ये मूवी ब्लैक पैंथर मूवी का सेकंड पार्ट है, यानी कि सीक्वल है, जिस मूवी का बजट $250 मिलियन था, यानी कि 2,068
68 करोड़ रुपीस था और इस मूवी ने अभी तक 820 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं, यानी कि 6786 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं और इससे ज़्यादा ये कुछ कमाने भी नहीं वाली क्योंकि ये इसका फाइनल कलेक्शन है। और इस साल तो सुपर हीरो मूवीज़ ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया, बाकी मूवीज़ इससे आगे निकल गई, टॉप गन मैवरिक हो गई, अवतार हो गई, जुरैसिक वर्ल्ड हो गई, ये सारी मूवीज़ इन मूवीज़ से आगे निकल रही हैं। अगर आप चाहें तो आप इस मूवी को थिएटर्स में देख सकते हैं और कुछ समय बाद ये OTT प्लेटफॉर्म यानी कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाली है हिंदी लैंग्वेज में। फिफ्थ मूवी है मिनियंस द राइस ऑफ ग्रू, यानी कि एक एनिमेटेड मूवी जिस मूवी का बजट सिर्फ 80 मिलियन डॉलर था यानी कि 662 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने 939 मिलियन डॉलर कमाए हैं, मतलब कि 7775 करोड़ रुपीस कमाए हैं। इस हिसाब से ये मूवी इस साल की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी हो गई क्योंकि इस मूवी ने 11.5 गुना से ज्यादा पैसे कमाए हैं। अवतार भले ही 2-3 बिलियन डॉलर कमा ले लेकिन उसमें पैसे भी तो उसी हिसाब से बहुत ज्यादा लगे हैं, लेकिन इस मूवी के अंदर पैसे बहुत कम लगे और इस मूवी ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। फोर्थ मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2। ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी का सीक्वल यानी सेकंड पार्ट है जिस मूवी का बजट 200 मिलियन डॉलर था यानी कि 1655 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने अभी तक 955.7 मिलियन डॉलर यानी कि 7910 करोड़ रुपीज का कलेक्शन कर लिया है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो एक मल्टीवर्स की लड़की जो कि दूसरे यूनिवर्स से आई है उसकी मदद कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत पावरफुल बींग उसके पीछे पड़ी है ताकि उसकी शक्तियों को हथिया सके। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। थर्ड मूवी है जुरैसिक वर्ल्ड डोमिनियन। ये मूवी जुरैसिक वर्ल्ड सीरीज का थर्ड पार्ट है जिस मूवी का बजट 165 मिलियन डॉलर था यानी कि 1365 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने अभी तक 1 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं यानी कि 8292 करोड़ रुपीस कमा लिए हैं। इस मूवी के अंदर हमें जुरैसिक वर्ल्ड फाइनल किंगडम के बाद की कहानी देखने को मिलती है जहां पे सारे डायनासोर अब पूरी दुनिया में फैल गए, हर तरफ हर जगह डायनासोर ही डायनासोर हैं, तो ऐसे में इंसान किस तरह इनके बीच में सर्वाइव करेंगे वही आपको इस मूवी के अंदर देखना है। इस मूवी को आप हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। सेकंड मूवी है अवतार द वे ऑफ वाटर। ये मूवी अवतार मूवी का जो 2009 में आई थी उसका सेकंड पार्ट है और इसके बारे में मुझे आपको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस मूवी का जो पहला पार्ट था अवतार उसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। उस मूवी ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं और अभी तक वो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली मूवी बनी हुई है और इस मूवी के साथ भी ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि इनिशियली जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो मुझे तो नहीं लगा कि ये मूवी इतने अच्छे कलेक्शन करेगी क्योंकि इसकी ओपनिंग काफी कम थी, लेकिन जिस हिसाब से अभी कलेक्शन कर रही है मुझे लग रहा है कि 2 बिलियन तो ये काफी आसानी से क्रॉस कर लेगी। 3 बिलियन के लिए मुझे थोड़ा डाउट है पर हाँ 2 बिलियन तो डेफिनेटली ये काफी आराम से कर लेगी। इस मूवी का बजट 350 मिलियन डॉलर था यानी कि 2896 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट है, पर जेम्स कैमरॉन ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस मूवी को बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगी उस हिसाब से इस मूवी को कम से कम 2 बिलियन डॉलर कमाने पड़ेंगे ब्रेक इवन के लिए, मतलब कि ना नुकसान हो ना फायदा। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए इस मूवी को कमाने पड़ेंगे, उसके बाद ये मूवी ना प्रॉफिट में रहेगी ना लॉस में रहेगी, उसके आगे जो कमाएगी वो प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। और इस मूवी ने अभी तक 1.4 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं यानी कि 11,609 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और आगे ये मूवी और भी अच्छा कलेक्शन करेगी। मुझे लगता है कि 30 से 35 दिन होते होते ये मूवी 2 बिलियन डॉलर कमा लेगी। अभी इस मूवी को सिर्फ 18 दिन हुए और 18 दिन में इस मूवी ने 1.4 बिलियन डॉलर कमा लिए हैं। इस मूवी के पहले पार्ट को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में। हमारी फर्स्ट मूवी है टॉप गन मैवरिक। फिलहाल अभी के लिए तो फर्स्ट ही है क्योंकि अभी तक अवतार ने इसके रिकॉर्ड को बीट नहीं किया है। इस मूवी का बजट 170 मिलियन डॉलर था यानी कि 1406 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने अभी तक 1.48 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया है, मतलब कि 12321 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और मुझे लगता है 2-3 दिन में अवतार इसका रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन अभी के लिए तो ये मूवी नंबर 1 पे है ही। इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मैवरिक की। वैसे इस मूवी का पहला पार्ट 1986 में आई थिंक आया था, उसके बाद ये कई सालों बाद ये दूसरा पार्ट आया है। तो इस मूवी के अंदर हमें मैवरिक की कहानी देखने को मिलती है जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है नए स्टूडेंट की, एविएटर्स की, जिन्हें प्लेन चलाना सिखाना है क्योंकि उन्हें एक बहुत भयानक मिशन को कंप्लीट करना है। तो आगे क्या होता है वही आपको इस मूवी के अंदर देखना। आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।